नमस्कार साथियों, नए वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। जितने भी साथी ICAR टेक्नीशियन 1 के एग्जाम की दोबारा से तैयारी करने लग गए हैं और जिनको नहीं पता है कि ये आपकी पहले वाली परीक्षा और पूरा प्रोसेस कैंसिल हो चुका है, वो दोबारा से तैयारी करने में जुट जाइए, क्योंकि वापस आपका एग्जाम होगा, पूरी प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। ऐसे में आपके पास में फिर से मौका बन रहा है कि आप सिलेक्शन ले सकते हो। बहुत सारे साथी दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएंगे, बहुत सारे साथी ऐसे हैं तो दोबारा एग्जाम देंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में है। अगर आपने पिछले वाले एग्जाम में जीके जीएस में बेहतरीन स्कोर नहीं कर पाए आप किसी कारण से, तो इस बार आप कर सकते हो, क्योंकि अब हमें ये पता है कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जहां से 100% सवाल आने की पॉसिबिलिटी रहेगी जब एग्जाम आपका दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मैंने बोला टारगेट 85 प्लस का रखो। मैंने पिछली बार जब आपको तैयारी करवाई थी, जब आपने पहली बार एग्जाम दिया था, तब भी मैंने यही बोला था 85 का टारगेट लेकर चलो, क्योंकि टारगेट हमेशा बड़ा रखना है। अब 85 का लेकर चलोगे, अगर आप 70-75 भी स्कोर करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन तय हो जाता है। मैंने आपको वीडियो सेशन भी करवाना शुरू कर दिया है, लेकिन बहुत सारे साथी अभी भी या तो वो नींद में है या उनको सूचना नहीं मिली है कि एग्जाम दोबारा देने का मौका मिल रहा है और बहुत जल्द आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट होने जा रहा है। तो ऐसे में सारे लोग एक्टिव हो जाइए, बहुत अच्छा मौका है। अब पद भी बढ़कर 800 हो चुके हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और स्टैटिक जीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके साथ में मैं शेयर कर देता हूँ। वैसे बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया था कि सर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जल्दी से जल्दी करवाइए, तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो सेशन लेकर आ चुका हूँ। और यूवी सर ने आपको कुछ बुक सजेस्ट की थी, अगर आपने नहीं लिया तो जरूर ले लेना, 100% आपको हेल्प मिलने वाली है। चलिए अब देखिए, जरा ध्यान दीजिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। री एग्जाम जो है इसके अंदर ये टॉपिक आपको स्कोर देंगे सिलेक्शन वाला, 100% सिलेक्शन वाला। क्या क्या पढ़ना है जी? देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बात करूं तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है हमें जीके जीएस में, क्योंकि पता नहीं चलता यार क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कौन से टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ें। तो इन टॉपिक को आप सबसे पहले पढ़ लेना, क्योंकि यहां से सवाल फ्रीक्वेंटली पहले पूछे गए हैं और डेफिनेटली आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि नेचर ऑफ एग्जाम सेम रहेगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम रहेगी, बस सवाल अलग होंगे और कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आपको अच्छे से देख लेना है, गेम्स स्पोर्ट्स अवार्ड्स और मेन जो प्लेयर है जिनके अचीवमेंट है उनको आपको पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट डेज मैंने पहले भी बोला था सवाल आएगा, सवाल आया और इस बार भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये जरूर आपको पढ़ लेना है। नृत्य और संगीत आपको पढ़ लेना है, कल्चर से यहाँ से सवाल बनेगा। योजनाएं मैंने पहले भी आपको तैयार करवाई थी और यहाँ से सवाल आया था और आगे भी पक्का सवाल आपसे पूछा जाएगा। एक नया सवाल बन रहा है शिलान्यास और उद्घाटन से संबंधित, यहाँ से जरूर पढ़ लेना। जैसे प्रधानमंत्री ने कहाँ कहाँ पर नई योजनाओं का शिलान्यास किया है, नए उद्घाटन करे हैं, उनके बारे में आपको जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री का सवाल आ सकता है, अमित शाह का सवाल आ सकता है, रक्षा मंत्री का सवाल आ सकता है, या किसी राज्य के सीएम ने बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट किया है तो उनसे संबंधित शिलान्यास या उद्घाटन भी जो चर्चा में रहा वो आपसे पूछा जा सकता है, पढ़ लेना है। इंडेक्स सूचकांक आपको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से सवाल हर एग्जाम में आता है और इस एग्जाम में भी आया है और आगे भी आएगा, तो आपको ये छोड़ना नहीं है। और अब सवाल नए बन जाएंगे, ध्यान रखना। अगर आपने पीछे वाले एग्जाम में 2021-22 के आंकड़े पढ़े हैं तो इस बार आपको 2022-23 के आंकड़े पढ़कर जाना है, तो थोड़ा तैयारी पर ध्यान देना पड़ेगा। संगठन संस्था का सवाल आया है और पक्का आपसे पूछा जाएगा, आपको संगठन संस्था दोनों पढ़ लेना है, इंटरनेशनल भी पढ़ लेना है और नेशनल भी पढ़ लेना है। साथ में ये पता होना चाहिए कि ICAR जो है वो IARI के अंतर्गत काम करता है, तो IARI टैग से जितनी भी संस्थाएं चल रही है उनका पता होना चाहिए कौन सी कहां पर है। नदियां और बांध आपको अच्छे से पढ़ लेना, पक्का सवाल आ रहा है। सभ्यता से सवाल आ रहा है, आर्टिकल से सवाल आ रहा है, आर्टिकल का मतलब समझ रहे हो अनुच्छेद, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है मुख्य तौर से वो आपको पढ़ लेना है, ज्यादा नहीं तो 50-60 जो मेन आर्टिकल है वो तो पक्का रट के जाना है। पर्यावरण की नीतियों से रिलेटेड सवाल आ रहा, हालांकि ये टॉपिक आपका सोशल साइंस के अंदर इंक्लूड रहता है, फिर भी यहाँ से एक सवाल आपका पूछा गया है। तो पर्यावरण के अंदर सुधार की जो नीतियां चल रही है, जो योजनाएं चल रही है, या संरक्षण के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, यहाँ से भी आपका सवाल बन रहा है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको 10-11 टॉपिक बताए हैं, यहाँ से आपके 8-10 सवाल बनने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, इस बात को नोट करके चलना। ये टॉपिक आपको पहले पढ़ लेना है, पहले पढ़ लेना। देखो पढ़ना तो आपको सब कुछ है, लेकिन इनको महत्व दोगे तो हो सकता है आपका एग्जाम में भला हो जाए। इसके बाद में आपको जो बुक्स बताई थी, काफी बच्चे कह रहे हैं सर कहां से ले, तो इस बार आपको वीडियो सेशन के अंदर लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप ले सकते हो। सोशल साइंस में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, इसके अंदर 100+ MCQ है, टॉपिक वाइज है। इसके अंदर सोशल साइंस के अंदर जो टॉपिक आपके अपने देश के अंदर के टॉपिक है वो भी इसके अंदर है, और वर्ल्ड जो सोशल साइंस है उसके टॉपिक्स की है, क्योंकि इसके अंदर हिस्ट्री,
ज्योग्राफी और आपके साथ में पॉलिटिकल साइंस सम्मिलित की गई है। तो ये पूरा आपको पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ से आप ये 1000+ एमसीक्यू पढ़ के यहाँ से श्योर हो सकते हो कि आप अच्छा स्कोर करोगे। साइंस की दो बुक का ऑप्शन है आपके पास में, अगर बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ना है तो 2500 एमसीक्यू वाली आप ले सकते हो, और या आप 800 एमसीक्यू वाली ले सकते हो। इन तीनों का लिंक आपको मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना, अच्छे से देख लेना पहले, उसके बाद में आपको जरूरत महसूस हो तो आप जरूर इनको बाय करके अच्छे से तैयारी कर सकते हो। डिस्क्लेमर यह है कि तीनों की तीनों बुक जो है वो ई बुक है, ध्यान रखना ई बुक है, सीधा आप तुरंत ही बाय करके तुरंत ही पढ़ना इनको शुरू कर सकते हो। आगे आपको वीडियो सेशन यूवी सर करवा रहे हैं, मैं भी आपको करवाऊंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट करोगे, आप अगर मांग करोगे कि सर हमें ये चाहिए तो ही तो हम आपको मांग पूरी कर पाएंगे, तभी तो हम मैटर आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। आप कुछ बोलोगे ही नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट, लाइक और शेयर करने पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। 5-6 वीडियो सेशन में आप सपोर्ट करोगे तो फिर अपने आप ही आपको पता है जनता आने लग जाती है, बच्चे जुड़ने लग जाते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपने जो कहा था मैंने कर दिया है और आगे भी करता रहूंगा, ये मेरी कोशिश रहती है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।